हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो प्लेसमेंट्स का सीज़न चल रहा है और आप सभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में तो ज़्यादा हायरिंग हो रही है, बट जैसे 2-3 साल पहले होता था, जिस तरह कंपनीज कॉलेजेस से 100-200 बच्चे लेकर जाया करती थी, उतनी हायरिंग इस बार नहीं हो रही है। तो थोड़ा स्ट्रेस की बात है, बट ऐसे में भी जो कंपनीज़ मास हायरिंग करती है वही हमारे लिए एक होप होती हैं। तो इन मास हायरिंग वाली कंपनीज़ की लिस्ट में आपकी TCS आती है, इन्फोसिस आती है, विप्रो आती है, एक्सेंचर आती है, कॉग्निजेंट है, L&T है, माइंडट्री करके कंपनी है, IBM भी मास हायरिंग करती है। तो ये सारी कंपनीज़ ना हमारे लिए खूब बन के आती हैं। अब मैंने TCS और एक्सेंचर के हायरिंग प्रोसेस के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर आप क्लिक करके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम विप्रो के हायरिंग प्रोसेस के बारे में एंड टू एंड डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स नो व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो कि विप्रो अपनी किस प्रोफाइल के लिए हायरिंग करता है एंड उन प्रोफाइल्स के लिए विप्रो क्या क्या सैलरीज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी विल कवर कि विप्रो एग्जाम में बैठने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। थर्ड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू एड्रेस इज कि विप्रो का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो क्या होता है। सो वी विल अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न इन डिटेल एंड ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच राउंड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको विप्रो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने टाइम पर एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, सो मैं अपनी स्ट्रैटेजीज भी आपको बताऊँगी कि मैंने क्या गलती करी थी जो आपको नहीं करनी है। एग्ज़ाम का ओवरऑल आपको पैटर्न किस तरीके से समझना है एंड ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी बना के आपको प्रिपरेशन करनी है। तो विप्रो इंजीनियर्स की हायरिंग विप्रो एलीट नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम से करता है। एंड सिर्फ विप्रो ही नहीं, कोई भी कंपनी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनका एक ऑनलाइन असेसमेंट राउंड क्लियर करो, एक या दो जितने भी ऑनलाइन असेसमेंट राउंड्स होते हैं। एंड दूसरा इंटरव्यू। अब रिटन एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है कि जिनकी आप प्रैक्टिस के थ्रू प्रिपरेशन अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बट इंटरव्यू की प्रिपरेशन थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस करना एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट होता है। एंड इंटरव्यू क्लियर करने के लिए और अपने इंटरव्यूअर पर एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट शोकेस योर बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, आप जो भी एक्सप्लेन कर रहे हो, यू शुड बी एबल टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट टू द इंटरव्यूअर। जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम मेरे पास कोई नहीं था जिसके साथ मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस कर सकूं एंड कोई मुझे करेक्ट करके मुझे फीडबैक बता सके। बट अगर आप फन और इंटरेस्टिंग वे में एक AI बडी के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, देन आई गॉट यू कवर्ड। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू Sparky AI। Sparky AI इज़ एन AI बडी जिसके साथ आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं एंड नॉट जस्ट इंग्लिश बोलना, आप पूरी की पूरी अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बडी इन अ वेरी फन एंड इंटरेस्टिंग वे। एंड आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यू जस्ट हैव टू गो टू ऐप स्टोर। ऐप स्टोर पर जाकर Sparky AI आप टाइप करो, उसके बाद इनकी ऐप को इंस्टॉल कर लो। इट्स अ फ्री डाउनलोड एंड डाउनलोड करने के बाद आप बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना शुरू कर सकते हो। तो अब आपको अपने मॉक इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, फीडबैक के लिए, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए किसी थर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ऐप स्टोर पर जाकर इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई हैसल नहीं है। इट्स अ फ्री टूल, सिंपली डाउनलोड करो और सीखना शुरू कर सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और पिंड कमेंट में भी, जाकर फटाफट डाउनलोड करो और सीखना शुरू करो। नाउ कमिंग बैक टू आर टॉपिक कि विप्रो अपनी किन किन प्रोफाइल्स के लिए हायर करता है थ्रू द विप्रो एलीट एग्जाम एंड इन प्रोफाइल्स में आपकी सैलरी क्या होगी। तो जो फर्स्ट प्रोफाइल है जिसके लिए विप्रो हायर करता है, दैट इज़ प्रोजेक्ट इंजीनियर। अब प्रोजेक्ट इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए आपकी जो सैलरी होगी वो 3.5 LPA होगी। सो यानी विप्रो आपको 3.5 LPA के पैकेज के लिए हायर करेगा विद द प्रोफाइल ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर। नेक्स्ट जो प्रोफाइल के लिए विप्रो हायर करता है, दैट इज़ टर्बो इंजीनियर। अब टर्बो इंजीनियर में आपकी जो पैकेज होगा वो होगा आपका 7 LPA का। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा डिटेल में समझें, तो इफ़ यू आर परसुइंग BTech और MTech फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, बी इट सिविल, मैकेनिकल, EC, CS, IT, कोई भी बैकग्राउंड से हुआ, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ब्रांच फैशन टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी, ये तीनों जो आपकी डोमेन है, इन तीनों ब्रांचेस के अलावा कोई भी आपकी ब्रांच है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि यू शुड हैव 60, यानी कि आपका 10th, आपका 12th और आपका ग्रेजुएशन का
जो स्कोर है वो 60-60-60 होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि विप्रो एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले आपको आपके कॉलेज के थ्रू एक लिंक आएगा जिसमें आपको क्लिक करके एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ध्यान रखना कि आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूमे हो, क्योंकि उसी टाइम पे आपको अपना रिज्यूमे भी अपलोड करना होता है। तो एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे, उसके बाद आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है। उस ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू राउंड के लिए जाते हो। वंस योर इंटरव्यू राउंड इज क्लियर, देन यू गेट द लेटर ऑफ इंटेंट, और लेटर ऑफ इंटेंट एक्सेप्ट करने के बाद आपको फाइनली ऑफर लेटर मिलता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि जो इनका ऑनलाइन असेसमेंट होता है उसका पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है आपका वो 128 मिनट्स का होता है, और इसमें तीन सेक्शंस होते हैं। पहला एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और इंग्लिश होता है, जो कि टोटल 48 मिनट्स का टेस्ट होता है। इसके बाद आपका जो सेकंड टेस्ट होता है वो होता है रिटन कम्युनिकेशन का। इसमें आपको एसे लिखना होता है, एंड जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है वो 20 मिनट्स का मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद आपका ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट होता है जिसमें दो प्रोग्राम्स आते हैं, आपको दो कोडिंग के क्वेश्चंस करने होते हैं, एंड जो टोटल ड्यूरेशन आपको मिलती है वो होती है 60 मिनट्स की। एंड वाइल कोडिंग यू कैन ओनली यूज़ ईदर C, C++, जावा और पाइथन। सिर्फ आप ये चार लैंग्वेजेस यूज़ करके कोडिंग कर सकते हो। देन इसके बाद अगर आप इस राउंड को क्लियर करते हैं, अपना ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करते हैं, देन यू गेट अ कॉल फॉर इंटरव्यू। और एक इंटरव्यू होता है जिसमें आपका टेक्निकल राउंड, मैनेजरियल राउंड और एचआर राउंड होता है। फाइनली इफ यू क्लियर योर इंटरव्यू ऑल्सो, उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। विप्रो का एग्जाम देते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी राउंड्स होते हैं, जैसे आपका एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, देन कोडिंग हो गया, एंड उनके जो सब सेक्शंस होते हैं जैसे कि आपका वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी और क्वांट्स, इन सब में सारे ही राउंड्स का वेटेज इक्वल होता है। एंड जनरली जो कट ऑफ होता है वो 70% होता है, अब तक 70% रहा है। तो यानी कि आपको हर जो सब सेक्शंस हैं और हर जो राउंड है उसमें 70-70% लाना पड़ेगा टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच राउंड। तो मैंने पूरा डिटेल में लिख रखा है कि किन किन टॉपिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप स्क्रीन पर देखकर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो एज आई टोल्ड यू, एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका जो लॉजिकल एबिलिटी होता है उसमें 14 क्वेश्चन आते हैं, एंड द टाइम ड्यूरेशन दैट इज गिवन टू यू इज 14 मिनट्स। इसका जो सिलेबस होता है उसमें मेनली आपका कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शनल सेंस, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। डिटेल्ड सिलेबस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी होता है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में देर आर 16 क्वेश्चंस एंड द टाइम ड्यूरेशन दैट इज गिवन टू यू इज 16 मिनट्स। सिलेबस आप स्क्रीन पर देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो क्वांट्स का आपका सिलेबस होता है उसमें बेसिक मैथमेटिक्स होती है, देन आपकी एडवांस मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है। अब है कुछ नहीं, बस जो आपके क्वांट्स के सेक्शंस हैं उनको ऐसे डिवाइड कर दिया गया है, बट जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो मीडियम लेवल का होता है, मतलब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है। बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, तो आप ऐसे ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। और ऐसा ये भी मत सोचो कि डरने की कोई बात है, बट हाँ अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा लेवल इंप्रूव करके अपनी प्रिपरेशन को देना, बिकॉज अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है। वर्बल में आपके बेसिकली 22 क्वेश्चंस आते हैं और 18 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। इसमें आपका मेनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, वर्बल ऑर्डरिंग, एरर आइडेंटिफिकेशन और सेंटेंस करेक्शन, स्पीचेस एंड वॉइसेस, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली एप्टीट्यूड राउंड क्लियर करने का सिंपल सा फंडा ये है कि सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके ऐसे फिंगर्स पर होनी चाहिए, एंड ऑल्सो आपकी स्पीड इंप्रूव्ड होनी चाहिए। आपने जैसे देखा कि आपको फिर भी लॉजिकल और क्वांट्स में तो एक एक मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है, लेकिन वर्बल में आपको पूरे एक मिनट भी नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए। तो हर एक चीज़ पे अच्छे से फोकस करना है। जैसे अगर आप क्वांट्स कर रहे हो, जैसे आप लॉजिकल कर रहे हो, तो उस टाइम पे चलो आपको ध्यान रखना है कि लॉजिक किस तरीके से लगाना है, क्या फॉर्मूला लगाना है एंड ऑल ऑफ दैट। बट वाइल यू आर डूइंग वर्बल में आपको अपनी स्पीड पे बहुत काम करना है, क्योंकि क्या होता है हम लोग जनरली इंग्लिश कि जो स्पीड होती है उस पर फोकस नहीं करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें पैसेज पढ़ने में इतना टाइम लगता है, उसके बाद पैसेज पढ़ के आपको क्वेश्चन को भी आंसर करना है, एरर आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस कंप्लीट करना है, तो उन सब चीज़ के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। इसलिए कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। अगर आप 2 महीने अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे तो आप बहुत ईजिली कोई भी प्लेसमेंट एग्जाम क्लियर कर सकते हो। चलो अब इसके बाद रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट की बात करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में बेसिकली आपको एक एसे लिखना होता है, आपको पूरा ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि कितने वर्ड
वर्ड्स का होना चाहिए, तो उस चीज़ को स्ट्रिक्टली ध्यान देना कि आपका जो एसे हो वो 200 से 400 वर्ड्स के बीच में ही हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, मुझे एग्जैक्टली वो क्वेश्चन तो नहीं याद था जो मेरे टाइम पे आया था, बट मेरी एक फ्रेंड को ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आई गॉट इट और वहाँ से मैंने ये मांगकर उससे लिखा है। तो बेसिकली इस टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होता है और अपना दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लिखना होता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के फॉर्म में। अब इसमें जो टॉपिक था वो ये था, नेचर प्रोवाइड्स अस विथ मच बट व्हेन वी अब्यूज नेचर वी रिस्क डिजास्टर, राइट अ रिस्पॉन्स एक्सप्लेनिंग हाउ वी हार्म आवरसेल्व्स एंड द एनवायरनमेंट। अब इसमें बेसिकली एक तरीके से एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि नेचर हमें कितना कुछ प्रोवाइड करता है और अगर हम नेचर को अब्यूज़ करते हैं या नेचर को किसी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं तो हम बेसिकली एक डिज़ास्टर ले आते हैं। सो इसमें आपको ऐसे लिखना है एक्सप्लेनिंग कि हम कैसे खुद को और एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। ऐसे लिखते टाइम एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके पूरे ऐसे में 5 से ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और मिस्टेक्स का मतलब ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना क्योंकि टाइम 20 मिनट इतनी जल्दी बीत जाता है पता नहीं चलता। पहले तो आप वो जो स्टेटमेंट दिखा होता है उसको समझना पड़ता है, फिर ये होता है कि किस तरीके से फॉर्म करना है स्टेटमेंट के लिए ऐसे को और क्या क्या पॉइंटर्स मेंशन करने हैं, तो टाइम बहुत कम होता है। इसलिए अच्छे से समझना क्वेश्चन को एंड वाइल यू आर राइटिंग साथ के साथ वेरीफाई करते जाना कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। फाइनली होता है आपका कोडिंग राउंड। अब कोडिंग राउंड में दो क्वेश्चन आते हैं 60 मिनट्स के लिए एंड लैंग्वेजेस एज आई टोल्ड यू आप जावा, सीबीपी, सी और पाइथन में से कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। जो कोडिंग का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होता है, मतलब मुझे तो एक फंक्शंस का क्वेश्चन पूछा, पैलिंड्रोम का क्वेश्चन पूछा था, वो तो बहुत ही सिंपल था। द सेकंड क्वेश्चन था वो थोड़ा डीएसए बेस्ड था, उसमें मुझे एरे का क्वेश्चन पूछा था, वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था। तो आप समझो कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एरे, स्ट्रिंग, डिसीजन मेकिंग, लूप, फंक्शंस और हैश मैप हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है सो दैट यू आर एबल टू क्रैक दी विप्रो एग्जाम। तो जनरली आप बाकी प्लेसमेंट एग्जाम की जैसे प्रिपरेशन करते हो आपको उसी तरीके की प्रिपरेशन रखनी है। एंड प्रिपरेशन के लिए आप एप्टीट्यूड अगर पढ़ना चाहते हो तो आप अरुण शर्मा से पढ़ सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए आप इंडिया बिग्स और हिटबुल्स आई पर ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने प्लेसमेंट के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है तो कोड स्टेप बाय स्टेप करके एक चैनल है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इनकी आप पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, इन्होंने एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इसके बाद आती है आपकी, इस चैनल के थ्रू आप बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो अपने लॉजिकल और क्वांट्स की। इसके अलावा अगर आपको वर्बल पढ़ना है, मतलब अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है कि प्लेसमेंट में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स कैसे स्पॉट करते हैं, ग्रामर इंप्रूव करने के लिए, स्पीचेस एंड टेंसेस के लिए, तो आप करियर विड्स की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, लिंक्स मैं दे दूंगी, आप आराम से चेकआउट कर सकते हो। अब ऐसे टेस्ट का एक ऐसा पार्ट है जो हर टेस्ट में नहीं पूछा जाता है, बट आप उसको हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि उसका भी मार्क्स काउंट होता है। तो मैंने अपने टेस्ट के टाइम पे क्या किया था, 4-5 दिन पहले से मैं डेली एक ऐसे की प्रैक्टिस किया करती थी सो दैट फाइनल डे मेरे को ऐसे ना लगे कि ओ क्या सामने आ गया, मैं कैसे लिख पाऊंगी। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल से टॉपिक्स लेकर मैं लिखने की प्रैक्टिस किया करती थी। तो ऐसे की प्रैक्टिस करके भी जाना बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता नहीं है कि ऐसे किस तरीके से लिखना है तो देर इज़ अ यूट्यूब चैनल जिस पर आप फ्री जाके पढ़ सकते हो कि किस तरीके से ऐसे की प्रैक्टिस करनी है। चैनल का नाम ई टू इंग्लिश है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी दे दूंगी, आप देख सकते हो। इस चैनल पर जाकर आप देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि वाइल राइटिंग दी ऐसे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं एंड किस तरीके से आप एक अच्छा ऐसे फ्रेम कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड द टाइम ड्यूरेशन दैट इज गिवन टू यू एंड द नंबर ऑफ वर्ड काउंट्स। एंड साथ साथ कोडिंग की प्रिपरेशन के लिए आप यूट्यूब पर जाकर सिंपली डीएसए शीट टाइप कर सकते हो एंड टेक यू फॉरवर्ड या कोड विद हैरी या मोहम्मद फराज, किसी की भी डीएसए शीट आप फॉलो कर सकते हो एंड द कॉन्सेप्ट्स विच यू हैव लर्न्ड उसके प्रैक्टिस के लिए यू कैन प्रैक्टिस ऑन लीड कोड एंड कोड शेफ, दिस इज गोना हेल्प यू इन द कोडिंग सेक्शन। इस तरीके से आप अपने सारे राउंड्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। वंस यू आर क्लियर विद द ऑनलाइन असेसमेंट, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपके टेक्निकल राउंड में बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके रिज्यूमे में मेंशनड है, जैसे कि आपने अगर लिख रखा है कि आपको सीपीपी में प्रोफिशिएंसी है, एचटीएमएल या सीएसएस में प्रोफिशिएंसी है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन अगर आपने प्रोजेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं तो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका टेक्निकल राउंड होता है। देन आपका मैनेजेरियल राउंड होता है। मैनेजेरियल राउंड में बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कभी आपको वो सिचुएशन दे सकते हैं कि अगर ऑफिस में ऐसी सिचुएशन है तो आप किस तरीके से एक्ट करोगे, या आपकी आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं एंड वो सब्जेक्ट आपको क्यों पसंद है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस मैनेजेरियल राउंड में, जस्ट टू चेक योर बिहेवियरल एबिलिटी।
एंड देन फाइनली होता है आपका एचआर राउंड एंड उसमें आपका जनरल डिस्कशन होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द विप्रो एग्जाम. अब इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं विप्रो, एक्सेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस या और भी किसी एग्जाम के इंटरव्यू के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ सीरीज ऑन दैट आल्सो. बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नया वीडियो डालू. तो थैंक यू सो मच.